ओम शांति 8/6/2019 साकार मुरली बाप दादा मधुबन मधुर संतानगण योग एवं पाठपढ़ा द्वारा ही दुई मुकुट प्राप्त हेब सेथिपाई निजर लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी दैवी गुण को धारण कर। प्रश्न विश्वर रचयिता बाबा तुम मानकर केउ सेवा करुछन्ति? उत्तर पिलामानंकु अविनाशी संपत्ति दे सुखी करिबा एहा ही तांकर सेवा। बाबांक भळि निष्काम सेवा आउ केही करि पारिबे नाही। दुईरे बेहदर पिता भड़ा सूत्ररे ब्रह्मांकर भ्रुकुटी रूपी आसन ग्रहण करी तुम मानंकु विश्वर सिंहासन अधिकारी करि देउछन्ति। निजे राज्य सिंहासन उपरे बसुनाहांति किंतु पिलामानंकु बसाउछन्ति। बाबांकर त जड़ प्रतिमार मंदिर सब तयारी हेउछि सेथिरु तांकु कण बा सुख मिलिब? प्रकृत मजा त पिलामानंकु मिलुछि जेउ माने कि स्वर्गर राज्य भाग्य प्राप्त करुछन्ति। ओम शांति। बाबा कहुछन्ति निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाओ। ओम शांतिर अर्थ त पिलामानंकु बुझाई दिया जायछि। बाबा एवं पिलामाने उभय ओम शांति करुछन्ति काहेकि ना आत्मार स्वधर्म हेउछि शांत। तुमे एबे जानिगलणि जे आमे आत्मा शांतिधामरु प्रथमे सुखधामकु आसुछु पुणि 84 जन्म ने पुणि दुखधामकु आसुछु। एकथा तुमर मने अछि। पिलामाने 84 जन्म जीव आत्मा हेउछन्ति किंतु बाबा जीव आत्मा हेउ नाहांति। कहुछन्ति स्वल्प समय पई ए ब्रह्मांक शरीरर आधार नेउछि नचित मु पढ़ाइबी किपरि? पिलामानंकु घड़ी घड़ी किपरि कहिबी मन मनाभ एवं निज राजधानी को मने पकाओ। एहा कोई कहा जाए गोटे सेकेंड्रे विश्वर मालिक। बेहदर बाबा निश्चित बेहदर खुशी बेहदर संपत्ति देबे ना। एथिपाई बाबा बहुत सहज रास्ता बताउछंती कहुछंती एबे एही दुखधाम को बुद्धि रो बाहर कर दियो। मुझे ओ नुआ दुनिया अर्थात स्वर्ग स्थापना करुची तुम्हें तार मालिक हेबा पाई मोते मने पकाओ। तेबे तुमर पाप कटिजीव एवं तुम्हें पुणि थरे सतु प्रधान होइजीव। एहा को ही कहा जाए सहज योग। जेमिति पिला माने कोनोसी पितांकु सहजरे मने पकाई थांती सेमिति तुम मानंकु मध्य बेहद बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बाबा ही दुखर मुक्त करी सुखधाम को नेई जाउछंती। सेठारे दुखर चिन्ह वर्ण भी नाही। बाबा बहुत सहज कथा कहुछंती निजर शांतिधाम घर को मने पकाओ। जेउ घर बाबांकर अटे सेही घर तुम मानंकर अटे। आउ ता सहित नुआ दुनिया को मध्य मने पकाओ ताहा तुम राजधानी। बाबा तुम मानंकु सुखधाम को पठाई निजे बानप्रस्थ नी परमधाम बसी जाउछंती। तुमे माने मध्य परमधाम निवासी अट। तांकु निर्वाण धाम बानप्रस्थ मध्य कहा जाए। बाबा वर्तमान पिलामानंकर सेवा करिबा पई अर्थात संपत्ति देबा पई आसुछंती। एही ब्रह्मा मध्य निजे बाबांक ठारु संपत्ति नेउछंती। शिव बाबा तो सबुठारु उच्च भगवान अटंती। तांकर मंदिर मध्य बहुत तयारी होईछि। तांकर के पिता शिक्षक नाहांती। सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान तांक पाखरे अछि। तेबे तांकु सही ज्ञान किपरि मिलला? से कण वेदशास्त्र आदि पढ़ी कि ना? बाबा तो हेउछन्ति ज्ञानर सागर सुख शांतिर सागर। बाबांकर महिमा एवं दैवी गुणधारी मनुष्यंकर महिमा भितरे बहुत प्रभेद अछि। तुमे माने दैवी गुण धारण करी एही भळि देवता हेउछ। प्रथमे तुमे माने
आसुरी गुणधारी थिलो तेबे असुररु देवता करिबा बाबांकर ही काम लक्ष्य एवं उद्देश्य तुम सम्मुखरे अछि तेबे सेमाने निश्चित एही श्रेष्ठ कर्म करिथिबे कर्म अकर्म विकर्मर गति अर्थात प्रत्येक कथा बुझाइबारे बाबांकु गोटिए सेकेंड लागुछि। बाबा कहुछन्ति मीठा मीठा पिलामानंकु निश्चित अभिनय करिबाकु हेबो एही अभिनय तुमको अनादि एवं अविनाशी मिलिछि। तुमे केते थर सुख दुखर खेळरे आसिछ केते थर तुमे विश्वर मालिक होइछ तेबे बाबा तुमको केते थर उच्च अर्थात श्रेष्ठ करुछन्ति। परमात्मा जहाँकु इंग्राजी रे सुप्रीम सोल कहा जाए सी मध्य बहुत छोट बिंदु अटन्ति से बाबा हेउछन्ति ज्ञानर सागर तेणु आत्मा मानंकु मध्य निज समान करुछन्ति। तुमे माने मध्य तांक भळी प्रेमर सागर सुखर सागर हेउछ। बाबा कहुछन्ति मीठा मीठा पिला माने एही विश्व को प्रथमे प्रथमे तुमे माने ही पाठ बजाइबा पई आसुछ। मु तो स्वल्प समय पई ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करुछि पवित्र दुनिया रे तो मु केबे आसे नाही। तुमे वर्तमान पतित होई जाइछ सेति पई मोते डाकुछ कहुछ आसी आमकु पवित्र कराओ तेबे शेषरे तुमर जोगर फल मिलिबो ना। जेतेबेळे पुरुणा दुनियार विनाश हेबार समय हुए सेतेबेळे मु आसे तुम ब्राह्मण मानंक द्वारा नुआ दुनियार स्थापना करुछि। एबे तुमको देह अभिमान छाड़ी देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। तुमे माने स्वर्गरे मौज करुछ मु त स्वर्गरे आसु नाही। पुणी जेतेबेळे भक्ति मार्ग आरंभ हेउछि सेतेबेळे मंदिर आदि तयारी करिवारे तुमे केते खर्च करुछ ताहा मध्य चोर माने लुटी नै गले। रावण राज्य रे तुमर धन दौलत आदि सबु किछि खलास होई जायछि एबे कण सेही सत्ययुगी सिंहासन अछि। बाबा कहुछन्ति मोर जेउ मंदिर तयारी करथिलो ताकु महम्मद गजनी लुटी नै गला। भारत परी साहूकार आउ कौनसी देश नाही एभली तीर्थस्थान आउ कौनसी देश होई पारिबो नाही। किंतु आजिकाली तो हिंदू धर्मर अनेक तीर्थ होइगलाणी। वास्तवरे तीर्थ तो बाबांकर हेबा दरकार जे कि समस्तंकर सद्गति करुछन्ति। एहा मध्य पूर्व प्रस्तुत ड्रामा एहाको बुझिबा बहुत सहज किंतु पिलामाने क्रमानुसारे बुझुछन्ति काहिंकिना राजधानी स्थापना हेउछि। एही उच्च देवता धर्मर मनुष्य माने प्रवृत्ति मार्गरे थिले सेतेबेळे केवल ही तुमर प्रवृत्ति मार्ग रहिथिव तुमको दि मुकुट धारी करिछन्ति। पुणी रावण तुमर उभय मुकुट बाहर करि देइछि एबे ना पवित्रतार मुकुट अछि ना धनर मुकुट अछि। रावण उभय मुकुट बाहर करि देइछि पुणी बाबा आसि तुमको जोग एवं ज्ञान दे दुईटी जाक मुकुट देउछन्ति। सेथिपई समस्ते गायन करुछन्ति हे ईश्वर पिता आस आमर गाइड हुओ आमको दुखरो उद्धार कर। बाबा आमको दुखर राज्यरो मुक्त कराई साथीरे नै जाओ। बाबा ही सत्यखंडर स्थापना करुछन्ति जहाँ को स्वर्ग कहा जाउछि। पुणी रावण एहाकु मिथ्या खंडरे परिणत करि देइछि। दुनिया रे मनुष्य कृष्ण भगवान उवाच कहुछन्ति किंतु बाबा शिव भगवान उवाच कहुछन्ति। भारतवासी माने नाम बदलाइबा देबा द्वारा सारा दुनिया मध्य बदलाई देला किंतु कृष्ण त देहधारी विदेही एकमात्र शिव बाबा। एबे बाबांक द्वारा तुम मानकु शक्ति मिलुछि एवं तुमे सारा विश्वर मालिक हेउछ। समग्र आकाश धरणी तुमको मिलि जाउछि। निर्विकारी प्रवृत्ति रे रही
कमल पुष्प समान अवस्था करिबा एहा हेउछि देवता मानंकर विशेषता। एही विशेषता को भूलिबा कारण रही भारतर एही भली दुर्दशा होई जायछि। एबे पुणी दैवी जीवन परमात्मा आसी गढ़ुछन्ति, तेणु तांकर हाथ धरिले जीवन रूपी नौका पारी होई जीव। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश। एक नंबर, एही दुखधामरु बुद्धिर संबंध तुटाई नुआ दुनिया स्थापन करुथिबा बाबांको मने पकाइबाकु हेब, सतो प्रधान हेबाकु पड़िब। दुई नंबर, बाबांक भळी प्रेमर सागर शांति एवं सुखर सागर हेबाकु पड़िब। कर्म अकर्म एवं विकर्मर गति को जाणी सदा सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करिबाकु हेब। बरदान, जे कोनोसी वातावरण भितरे मध्य मन बुद्धि को गोटे सेकेंड रे एकाग्र करिपारथिबा सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हुओ। बाप दादा सबु पिलांकु सर्वशक्ति को संपत्ति रूपरे प्रदान करुछंती। जोग शक्तिर अर्थ हैला मन बुद्धि को जेउठी भी लगाइबा को चाहिबो सेठारे लागिजिबो। जे कोनोसी वातावरण भितरे निजर मन बुद्धि को गोटे सेकेंड रे एकाग्र करि दियो। परिस्थिति हलचल सृष्टि करुथिबो, वायुमंडल तमगुणी होइथिबो, माया मध्य निजर करिबा पई चेष्टा करुथिबो, पुणी भी तुमे गोटे सेकेंड रे एकाग्र होइ जाओ। एही भली नियंत्रण करिबार शक्ति थिले जाई कुहाजिबो सर्वशक्ति संपन्न आत्मा। स्लोगान, विश्व कल्याणर दायित्व एवं पवित्रता रूपी आलोकर मुकुट पिंधिथिबा आत्मा ही दुई मुकुटधारी अटंती।